हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, वो स्लाइटली आईटी के फील्ड में जाएगा। जिस तरह से स्पोर्ट्समैन बनने का सपना होता है, उस तरह से एक ऐसा समय आने वाला है कि आईटी में जाना एक बहुत बड़ा अब अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट इन द सेंस, जितना मेहनत करोगे उतना जाएगा। तो मैं ये स्पेशली एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी को कि आपके किड्स हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन के किड्स हैं, अगर उनका लॉजिकल स्किल्स चाहते हो कि बचपन से ही बहुत अच्छा आ जाए, तो आप उसको कंप्यूटर फील्ड में जरूर भेजिएगा। आप अपने चॉइसेस से भेज सकते हैं, अगर उनका चॉइस हो ही नहीं तो क्या इशू है, लेकिन अगर है लॉजिकल स्किल्स एटलीस्ट। देखो क्या होता है कि बहुत से लोग जो बायोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स तो उसको भी सिखाया जाता है, लेकिन जो इंजीनियर बनना चाहते हैं बायोलॉजी तो उनको भी सिखाया जाता है। तो इन सब में एक कॉमन होता है लॉजिक, कि लॉजिकल स्किल्स आपको मैथमेटिक्स से जितना ऊपर आती है, उसी तरह से एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स हमारा कंप्यूटर फील्ड होता है। जब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ टेक्निकल मैथ, ठीक है। तो इसमें डेटा साइंस जब करता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैथमेटिकल का फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो आप उसको स्लाइटली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड में भेज सकते हो। आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, अब मोर देन 4 एंड 5 ईयर्स, 6 ईयर्स के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं। आपने ऐड तो बहुत देखा होगा, तो ऐप बना रहे हैं। आप उसको उस फील्ड में आप मोड़ सकते हो। अगर आप करियर ना भी बने ना, तो लॉजिकल स्किल्स सबसे पहले अच्छा होगा। वो इंगेज रहेगा, हमेशा कंप्यूटर में घुसा रहेगा, और जब बच्चा बचपन से कंप्यूटर में घुसा रहता है ना, उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो कम समय में पैसे भी अर्न करेगा। ये आपका इंटेंशन नहीं होनी चाहिए पैसे अर्न करना, लेकिन वो अपने अचीवमेंट के तौर पर पैसे अर्न करेगा, फ्रीलांसिंग करेगा, और जब वो 22-23 साल का होगा या 21-19 साल का होगा, तो बहुत बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, क्योंकि वैसी कंपनी डिग्री से ज़्यादा आपका नॉलेज चेक करती है। उनको नॉलेज एक झलक में पता चल जाता है, जब उनके कोडिंग कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट लेते हो तो उनको पता चल जाता है। मैंने खुद देखा है 15 ईयर्स 16 ईयर्स ओल्ड को पार्टिसिपेट लेते हुए हैकाथॉन में, कोडिंग पार्टिसिपेट, कोडिंग का जो हैकाथॉन होता है उसमें पार्टिसिपेट लेते देखा है। तो ऐसे जब बचपन से आप उसको तैयार करेंगे ना, तो वो कम टाइम में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लेगा, अच्छा खासा ऐप बनाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, और कम टाइम में कंप्यूटर फील्ड इज़ द ओनली वन जहाँ पे आईटी सेक्टर में एज मैटर नहीं करता है। कम से कम एज के बच्चे जो को जॉब लगती है, ज़्यादा ज़्यादा एज को भी जॉब लगती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक से, नॉन आईटी, जिनका आईटी से कोई लेना नहीं होता, वो आईटी में आते हैं। रीज़न, लॉजिकल स्किल्स इतनी तगड़ी कर लेते हैं वो लोग कि अच्छा खासा पैकेज लग जाता है। एज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका लॉजिकल स्किल्स। और जब आपके पास किड्स हैं, आपके इर्द गिर्द अगर आप किसी को एक सजेशन देना चाहो, तो उनको लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल मत दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ, और कोडिंग सिखवाओ उनको। बचपन से कोडिंग सीखना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। उससे बड़ी बात यह है कि कोर्स बेचने वाले बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कोडिंग का। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप यूट्यूब से सिखलाइए। ऐसे ऐसे हजारों कोर्सेज हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से बहुत क्लियरली आपको सिखाएंगे, और वो डाउट भी क्लियर कराते हैं आपकी कोडिंग आपके किड्स के लिए। वेबसाइट्स ऐसी बनी बनी जहाँ पर आप विजिट करिए, फ्री में कोडिंग सिखाते हैं, आपको कोर्स परचेज करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यार इसको फॉलो करिए, इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा अगर जिनके पास किड्स हैं, जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है लर्निंग फेज में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।